वक्त 4.5 महीने गायब हो गया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ये खबरें अफवाहें हों, आप हमें दुरुस्त कीजिए ना, तभी तो हम आपको मौका देते हैं। यानी हम उसके सफाई देते रहेंगे आपको? सफाई नहीं दे रहे हैं, आप अपना पक्ष रख रहे हैं, प्रदेश की 23 करोड़ जनता के सामने अपना पक्ष आप रख रहे हैं ताकि सरकार की छवि और सुधरे, ताकि सरकार और ईमानदार दिखे, ताकि सरकार और पारदर्शी दिखे, मुख्यमंत्री जी का कद बढ़े। अपना पक्ष रखते उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर है जी, और 4.5 महीने के इस अवसर में जो जो अल्पावधि है उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था से लेकर के भ्रष्टाचार से लेकर के उसमें सुधार हुआ है, 2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा का बजट पेश हुआ है, और नेताजी ने ये कहकर के कि आप और तेजी से काम करें, आपका रिपोर्ट अच्छी है, ये बात हम यानी हम उस मीटिंग में हम थे, आपका कोई चैनल तो था नहीं जी, पता नहीं कहाँ से आप रिपोर्ट ले आते हैं। नहीं तो इसीलिए तो मैं आपसे माननीय कह रहा हूँ कि आपने जो बताया अब हम आगे से वो चलाएंगे, हमें समझ में आ गया, यानी कि देश का जितना मीडिया खबरें चला रहा है वो सब गलत है। नहीं यार, सारे अखबारों में तरह की खबरें आई हैं, रिपोर्ट है आपके पास, जो जानकारी है वो बिल्कुल निराधार है। अच्छा, निराधार है, आप हमारे पास, आप हमारे साथ रहिए, सुभाष मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ में हैं, सुभाष जी बात कीजिए। नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि चौधरी से पूछे कि आज मोहम्मद आजम खान साहब ने अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही कहा कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी सी बात है, उनको काम करना पड़ेगा, मंत्री से मिला करके काम करना पड़ेगा। राजेन जी, नहीं राजेन जी, राजेन जी क्या उन्होंने, नेताजी ने ये बात बताई है, राजेन जी एक बार सुन तो लीजिए, हम कह, क्या नेताजी ने नहीं कहा कि जनता हमको 6 महीने का देख रही है, आप अपना काम ठीक से करिए, मंत्रियों से कहा है, और ये क्या बात है उन्होंने नहीं कही, अखिलेश यादव को 100 में 100 नंबर दिए हैं, और ये क्या बात उन्होंने कहा नहीं, विधायकों का, कुछ विधायकों का आचरण जो है गड़बड़ है, कुछ मंत्रियों का आचरण ठीक होना चाहिए, ये सारी बातें तो हम कहां से आगे बात की, ये किसने कहा, कब कहा कि आचरण गड़बड़ है? नहीं नहीं, हमारे सूत्र आपको बता रहे हैं, कल नेताजी ने, कल नेताजी ने तो ये बात अपनी मीटिंग में कही है कि भाई जो विधायक लोग अपना आचरण ठीक रखें। आजम साहब ने भी ये नहीं कहा कि अब तक हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे, आज आजम साहब ने कहा कि हमारा और अफसर मिलकर इसको और ना, ना, देंगे प्रगति की। राजेन जी, राजी आजम खान ने साहब ने आज ये कहा कि मंत्री जो है, देखिए इस तरह के विधायक और जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी 5 बजे चले जा रहे हैं, कार्यालय छोड़ के चले जा रहे हैं, उन्होंने बात कही है। अरे ये चले नहीं जा रहे, ये नहीं कहा। नहीं नहीं बिल्कुल कहा। अच्छा राजेन जी, उन्होंने कहा कि अगर मंत्री देश राजेन जी है तो अधिकारी को बैठना है। राजेन जी अच्छा ये बताइए आप, राजेन जी ये बताइए, क्या आपके एक विधायक घोड़ा लेकर के प्लेटफॉर्म पे नहीं गए थे? ये बताइए, क्या घोड़ा लेकर दौड़ाया नहीं था उन्होंने? क्या एक मंत्री नहीं, एक मंत्री ने गोली नहीं चलाई थी? अरे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी 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 आपके पार्टी के कार्यकर्ता ने डिप्टी सीएमओ को मेरठ में लप्पड़ मार दिया है, अभी मारा है, अभी उसको आपकी पार्टी ने बंद भी कराया है। तो मैं ये कह रहा हूँ, नहीं नहीं ये कह रहा हूँ, नेताजी इन सब चीजों को लेकर के आगाह कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेताजी ने कहा कि सारे मंत्री कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो इस बात को तो स्वीकार करिए कि नेताजी ने पार्टी के मुखिया के रूप में, राजेन जी, एक तरह से आपको अलर्ट किया है, आपको मतलब मंत्रिमंडल को और मुख्यमंत्री को, कि जनता हमको देख रही है और 6 महीने बाद जनता हमारे कामकाज पर टिप्पणी करेगी। सुभाष जी अगर सब कुछ ठीक है तो फिर अखिलेश सिंह यादव जी ने खुद राजेंद्र चौधरी जी की मौजूदगी में क्यों कहा कि नेताजी अगर गुस्सा है तो कुछ ना कुछ बात होगी, हम अपने काम से सुधार कर लेंगे? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने खुद माना, उन्होंने कहा कि नेता जी आप मानने को तैयार नहीं है, हम लोग सुधार के लिए हैं। इस पर ये नहीं कहा कि गुस्सा है, उन्होंने कहा अगर गुस्साने की बात है जो आप बता रहे हो, हाँ, तो हम उनका गुस्सा कम करेंगे, हम काम करेंगे, और हाँ, ये एक उदाहरण के तौर पर। अरे वाह, अच्छी बात आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कह रहे हैं, मुलायम सिंह जी की बातों पर रिएक्शन दे रहे हैं, तो उदाहरण हो गया, देश का सारा मीडिया गलत चला रहा है। नहीं नहीं, हमें लग रहा है राजेन जी बात को मानना नहीं चाहते हैं, शायद राजेन जी उसको ऐसा इतना झूठ आप चलाते हो, चलाओ। राजेंद्र जी आप इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, झूठ नहीं, 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 नहीं आप झूठ बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं मीडिया झूठ चला रहा है, झूठ बिल्कुल नहीं है, झूठ चलाइए आप, नहीं राजेंद्र झूठ नहीं, राजेंद्र गलत बात कह रहे हैं, राजेंद्र जी झूठ नहीं है, देखिए आप किस तरह से की बात कर रहे हैं, अरे आपके विधायकों का आचरण देखिए, कुछ मंत्रियों का देखिए, आप देखिए कि आजम खान साहब किस तरह से कह रहे थे, अभी आजम खान साहब का लेटर जो रिलीज हुआ है। सुभाष जी अखिलेश यादव जी की जो बयान है, जो बाइट है, वो राजेंद्र चौधरी जी फिर सुनिए आप, और उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए, फिर हमसे बात कीजिएगा। ये रहा बयान आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो नेताजी हमारे नेता हैं, वो जरूर अगर कोई गलती हमसे हो रही है तो वो नाखुश होंगे, स्वाभाविक है, काम करेंगे, काम करके दूर कर देंगे।
लॉ एंड ऑर्डर पे सच है कि लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत सख्ती करनी पड़ेगी और उसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे, जो जिम्मेदार एसओ से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी वो करते रहेंगे हम लोग। बुंदेलखंड या जिन जिलों में जगह होगी और जो पॉलिसी के तहत आ सके उसको जरूर हम लोग बढ़ावा देंगे। क्योंकि जी राजेंद्र चौधरी जी, सुना आपने कितने साफ शब्दों में अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। जी देखिए अब फोन काट रहे हैं। दिक्कत इस देश के नेताओं के, प्रदेश के नेताओं की यही है कि जब सीधी बात पूछी जाती है तो उल्टा जवाब देते हैं, जब सबूत रखा जाता है तो फिर उसके बाद फोन काट के निकल लेते हैं। आप हमें झूठा साबित कर रहे हैं। अतुल, मैं इसमें एक बात कहूं, सुभाष जी, राजेंद्र जी और सुभाष जी के बीच में संवाद होने लगा था इसलिए मैं उसको सुन रहा था। राजेंद्र चौधरी से यह अपेक्षा भी रखना गलत है। प्रवक्ता सिर्फ उतने के लिए है जितना उसको मैंडेट दिया जाए। तो प्रवक्ता दूसरों पर आरोप ना लगाए। मीडिया को, अपने मीडिया का झूठा साबित कर रहे हैं आप। प्रदेश में रामराज्य ले आए क्या? मैं वही कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के गार्जियन के तौर पर मुलायम सिंह यादव ने वो जो तमाम बातें हमने दिखाई वो सब कहना बहुत स्वाभाविक था। और कोई भी गार्जियन ये कहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भाई। आज की तारीख में किसी भी घर का मुखिया अगर अपने घर में अस्त व्यस्तता और फ्रैक्शनिज्म देखेगा, अस्त व्यस्तता देखेगा तो वो चिल्लाएगा, पीड़ा उसको होगी। और ये बात राजन चौधरी जी उठा रहे थे कि किसने 6 महीने का समय दिया। अरे मुलायम सिंह जी की बाइट है हुजूर कि 6 महीने के बाद हम समीक्षा करेंगे, तब हम तय करेंगे, पास फेल तब बताएंगे। तो मुझे लगता है शायद वो याद नहीं रखना चाहते वो सब तमाम प्रसंग। और मीडिया पर गुस्सा निकालना असल में ये तरीका तब लोग अख्तियार करते हैं जब उनके पास तर्क खत्म हो जाते हैं। जब तर्क खत्म हो जाए तो हल्ला मचाने लगे। मैं जो समझ पाया हूं उसका अर्थ इतना ही है। बाकी और आज देश भर के चैनल और अखबारों में आप देखिए मुलायम सिंह जी के हवाले से ये विस्तार से है, ये पूरा प्रसंग जाहिर किया उन्होंने। कहीं कहीं खंडन है क्या समाजवादी पार्टी का? नहीं। और आप एक स्वीपिंग रिमार्क्स दे दें कि आप गलत दिखा रहे हैं, इस बात का कोई अर्थ नहीं। और मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, मुलायम सिंह यादव की नाराजगी तो समाजवादी पार्टी के लिए पॉजिटिव है। और मैं इसमें एक बात और जोड़ूं, सुभाष मिश्रा शायद मेरी बात से सहमत हो, वो कह रहे थे कि आपके पास जानकारी कहां से आई राजन चौधरी जी। मैं उनको बताऊं अपने 25 बरस के अनुभव से कि राजन जी ने तो एक ही पार्टी में रहे, वो तो मैंने तो जितनी पार्टियां सब कवर कर ली। जब भी इस ढंग की बैठकें होती हैं तो उसमें 85 लोग शामिल होते हैं अतुल जी, जी। और उसमें 20 हमारे मित्र होते हैं जी, जो बर्बेटम हमको बताते हैं कि फिर किसने क्या कहा जी। इसका कोई अर्थ हुआ कि आपको किसने बताया जी? और ये सूत्र बताने की परंपरा नहीं है जी। आप टेलीविजन पर हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि हम किसने हमसे कहा? सही बात है। आप खंडन करिए, स्वीकार करिए या मत करिए, ये आपकी स्वतंत्रता। और मैं बता दूं मुलायम सिंह जी ने यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनका चाल चलन मुझे पसंद नहीं, और उन्होंने कहा मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं जिनके लिए कह रहा हूं वो जानते हैं मैं किन के लिए कह रहा हूं। और इस पर विधायकों ने ताली भी बजाई जी। और अमिताभ जी बड़े तो अगर मैं ये बता रहा हूं कि राजेंद्र चौधरी की बैठक में कब विधायकों ने ताली बजाई तो इसका मतलब हमको सूचना मिली ना। मुलायम सिंह जी के किस वक्त यानी कि चौधरी साहब, मैं वो भी सुना दूंगा उनको। क्या चौधरी साहब ये चाहते हैं क्या? अमिताभ जी के चौधरी साहब ये चाहते हैं क्या कि जो वो हमारे मुंह में डाले हम वही कहें? नहीं, मैं हैरान हूं, इसमें एक गार्जियन जिसने पूरा जीवन लगा दिया समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में समाजवाद, और मुलायम सिंह जी ने यही नहीं, रविदास मल्होत्रा झूठ माने सच माने वो उनका विषय, मुलायम सिंह जी ने यह भी कहा कि जो मंत्री लोग हैं इनके भरोसे, इनके कंधों पर सरकार नहीं आई है, सरकार कार्यकर्ता की मेहनत से आई है, उसके पसीना बहाने से आई है, उसको सम्मान नहीं देंगे तो कैसे चलेगी पार्टी। मुलायम सिंह ने यह भी सवाल उठाया। बताइए रविदास जी, और अब झूठ की पराकाष्ठा। नहीं नहीं रविदास जी, अब आप इसका खंडन कीजिए या इस पर मोहर लगाइए। देखिए उन्होंने ये कहा कि जनता ने 5 साल कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है और ये संघर्ष के कारण प्रदेश में सरकार बनी है। रविदास जी उनके शब्द ये थे, मैं बता रहा हूं उनके शब्द ये थे कि मंत्रियों के गए चलते सरकार बनी, ऐसा भ्रम मत पालो। हाँ हाँ, कार्यकर्ताओं की मेहनत से सरकार बनी। राजेंद्र चौधरी खंडन करें, वो खंडन करें, मैं मुलायम सिंह यादव का इंटरव्यू लेके यही बातें रिपीट करवा दूंगा। देखिए क्या बात करते हैं, देखिए सुनिए,
आप जो जो बात है आपका प्रवक्ता खंडन कर, रविदास जी आपके प्रवक्ता महोदय खंडन करें, मैं मुलायम सिंह जी से यही बातें रिपीट करवा दूंगा। हमारी बात सुनिए, इंटरव्यू में माने सुनिए, इसमें कौन सी गलत बात कह दी भाई, कोई गलत नहीं, जो नाराज हो गए देखिए माने मुलायम सिंह जी, देखिए सरकार का मुखिया मान रहा है कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर में बहुत जरूरत है, हम ठीक करेंगे। पार्टी का मुखिया मान रहा है कि नहीं हमारे यहाँ विधायक और अखिलेश के पीछे, अखिलेश के ठीक पीछे राजेंद्र चौधरी खड़े हुए हैं, लग रहा है उसको दबाने में, सच को दबाने में लगे राजेंद्र चौधरी, नहीं सुभाष जी अखिलेश जी के ठीक पीछे राजेंद्र चौधरी जी खड़े हुए हैं और तब भी सब बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं वो दोनों लोग मतलब सच को मान रहे हैं कि नहीं ठीक करने की जरूरत है, बहुत बड़ी बात है। 2014 में चुनाव लड़ना है पार्टी को, बिल्कुल क्या चुनाव, क्या चुनाव चुनाव मंत्री जितवा देंगे, नहीं ना, नहीं नहीं अभी अभी जैसा मुलायम सिंह का चेहरा महत्वपूर्ण होगा, फिर अखिलेश यादव का चेहरा महत्वपूर्ण होगा। जी सुभाष जी बहुत बढ़िया कही कि पार्टी का मुखिया हो या परिवार का मुखिया अगर थोड़ा मोड़ा गलत देख रहा है तो ठीक करने के लिए कहेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात, कौन अद्भुत बात हो गई, कौन सी हमने गोपनीय बात खोल दी जो नाराज हो गए हुजूर, ये बड़ी स्वाभाविक बात है और ये अच्छी बात है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। नहीं नहीं और दूसरी 2014 का पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है, नेता इनका 80-80 सीट लड़नी, तो स्वाभाविक है कि इमेज को सबकी ठीक रखना, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो चाहे पार्टी हो सरकार हो, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो राजेंद्र चौधरी कह रहे हैं गलत है झूठ है, इसमें कौन सी मंत्रियों के, मंत्रियों के जो कौतुक छपते हैं जो चर्चा में आते हैं टेलीविजन पर आते हैं, क्या मुझे राजेंद्र जी ये बताना चाह रहे हैं कि उन कौतुकों से मुलायम सिंह प्रसन्न होते हैं और वो गदगद होके कहते भाई मिठाई खिलाओ इन मंत्री जी को जिन्होंने गेस्ट हाउस में कब्जा कर लिया, किसी मंत्री ने अपने सामने सीएमओ को पिटवा दिया बैठक में कहते हैं कि बहुत खुशी की बात है और मारो, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, मैं 20-22 वर्ष से जान रहा हूं मुलायम सिंह जी को, उनकी पीड़ा स्वाभाविक है, अखिलेश की पीड़ा स्वाभाविक है, कहा कि इतना संघर्ष करके उन्होंने पार्टी खड़ी की है, इसमें क्या गलत है भाई, इसमें मैं समझ ही नहीं पाया समाजवादी पार्टी को क्या खंडन की जरूरत आ पड़ी जी, नहीं आप वो पार्टी के पिता हैं भाई, वो पार्टी के पिता हैं। नहीं और ऐसी कौन सी बात हमने कह दी कि राजेंद्र चौधरी जी के पेट में दर्द हो गया, ऐसी हमने कौन सी बात कह दी कि उनको मिर्चा लग गया और चढ़ बैठे वो, ये मुझे समझ नहीं आया अभी तक। और राजेंद्र चौधरी जी मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम जब भी समाचार प्लस के मंच पर आए तो अपनी इस अदा को घर रख के आए, क्योंकि हम सवाल बहुत सीधा करते हैं, जवाब बहुत सीधा चाहते हैं, क्योंकि हम जनता की आवाज हैं और हम लल्लो चप्पो में यकीन रखते नहीं हैं, कोई और रखता हो तो रखता रहे। सुभाष जी नहीं बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, ये तो एक मतलब अनप्रोफेशनल तरीका हुआ, और जो पार्टी प्रवक्ता है वो तो और मैच्योर होना चाहिए, उसको बात अपने सलीके से, आप फोन काट के भाग रहे हैं इसका मतलब ये सच से आप फेस नहीं करना चाहते। नहीं और जब हम बयान सुना रहे हैं, जब हम बयान सुना रहे हैं सुभाष जी तब आप फोन काट के भाग जा रहे हैं। हाँ नहीं नहीं आप देखिए रविदास मेहरोत्रा जी हैं, वो भी बात उसी तरह की कह रहे हैं कि उसमें कौन सी बड़ी बात है कि ऐसी खराब बात हो गई है, या नेताजी परिवार के मुखिया हैं उसमें सही बात अगर कह रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात होगी। देखिए मुलायम सिंह जी को ये अधिकार भी है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोगों के मुखिया हैं और उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया है, पार्टी को बनाई है और उनके प्रयास से पार्टी बनी है, और वो चाहते हैं कि जनता ने जो हम लोगों से आशाएं उम्मीदें रखी हैं उसमें मंत्री खड़े उतरे, ये उनकी मंशा है कि सरकार ठीक चले, जनता की अपेक्षाएं पूरी हो। अरे सारी बातें आप समझाइए ना रविदास जी, अतुल दोनों लोगों ने मुलायम सिंह जी को यह अधिकार है, उनको मुलायम सिंह जी को यह अधिकार है कि वो मंत्रियों को जो काम सही नहीं कर रहे हैं उनको अपनी बात कहें। अरे ये सारी बातें आप राजेंद्र चौधरी जी को समझा दीजिए ना, वो दिन को रात बता रहे हैं, रात को दिन बता रहे हैं, ऐसे उनके साथ देश नहीं चलेगा ना भाई, ना प्रदेश चलेगा ना मीडिया चलेगी ना सरकार चलेगी। देखिए अतुल इसमें कि विवाद की गुंजाइश वहां खत्म होती है, मुलायम सिंह यादव को इस बात का 100% अधिकार हासिल है कि वो समाजवादी पार्टी और सरकार दोनों पर अंकुश रखें। पब्लिक ने उनको इसीलिए एक्सेप्ट किया उत्तर प्रदेश का नेता, नहीं, और अखिलेश अखिलेश जी ने सरकार अच्छी बात भी है सरकार के ऊपर मुलायम सिंह अंकुश रहे, मैं वही कह रहा हूँ ये एक नैतिक अंकुश रहना चाहिए। और दूसरी बात आज अखिलेश यादव ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा वो हमारे नेता है मुलायम सिंह जी, और अगर वो नाखुश है अगर वो असंतुष्ट है तो हमारा फर्ज है कि हम और ज्यादा अच्छा काम करके उनको खुश करें। इसमें कहां से बीच में राजेंद्र चौधरी जी के लिए इसको बचता है,
मुलायम सिंह जी को अधिकार हासिल है, नैतिक सत्ता हासिल है, वो और वो तकनीकी तौर पर अध्यक्ष भी है पार्टी के, इसलिए उनको व्यवहारिक अध्यक्ष हैसियत भी हासिल है। और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उतनी ही विनम्रता से स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं परफॉर्मेंस और अच्छी करेंगे, इसमें विवाद में नहीं चाहिए था। नहीं, और इस पर सवाल पूछने वाली मीडिया गलत है। वाह भाई, मैं